केवल नाम में इंडिया गठबंधन नहीं है, दिल में इंडिया है, दिल में। पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे, देश के गरीबों की बिजली फ्री करेंगे, शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे। अब गरीबों और अमीरों के बच्चों को अच्छी और एक समान शिक्षा मिलेगी। दिल्ली वासियों को उनका हक दिलाएंगे, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। मंजूर है? अब मैं आपको केजरीवाल जी का संदेश पढ़कर सुनाऊंगी। मेरे प्यारे भारतवासियों, जेल से आप सब अपने इस बेटे, अपने भाई का प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं आज आपसे वोट नहीं मांग रहा, आने वाले चुनाव में मैं आपसे किसी को हराने या जिताने की बात भी नहीं कर रहा। आज मैं देश के 140 करोड़ लोगों को एक बड़ा भारत बनाने के लिए सहयोग मांगता हूं। 140 करोड़ भारतवासियों को एक नया भारत बनाने के लिए आमंत्रित करता हूं। आज मैं देश के 140 करोड़ लोगों को ऐसा भारत बनाने के लिए आह्वान करता हूं। यदि आप सब इंडिया गठबंधन को मौका देते हैं, जिम्मेदारी सौंपते हैं, तो हम सब मिलकर ऐसे महान राष्ट्र का निर्माण करेंगे। केवल नाम में इंडिया गठबंधन नहीं है, दिल में इंडिया है, दिल में। मैं इंडिया गठबंधन की ओर से आज 140 करोड़ लोगों भारतवासियों को 6 गारंटी देता हूं। पहली, पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे, कहीं कोई पावर कट नहीं होगा। मंजूर है? दूसरा, पूरे देश के गरीबों की बिजली फ्री करेंगे। मंजूर है? तीसरी, हर गांव और हर मोहल्ले में शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे। अब गरीबों और अमीरों के बच्चों को अच्छी और एक समान शिक्षा मिलेगी, होना चाहिए। चौथा, हर गांव और मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, हर जिले में शानदार मल्टी स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल बनाएंगे, देश के हर व्यक्ति के लिए शानदार और फ्री इलाज की व्यवस्था करेंगे। मंजूर है? पांचवीं, किसानों को स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक सही फसलों पर एमएसपी निर्धारित करके उनको फसलों के पूरे दाम दिलवाएंगे। मंजूर है? छठी, दिल्ली के लोगों ने 75 साल से अन्याय सहा है, देश के अन्य राज्यों की तरह अपेक्षा उनके अधिकार बहुत कम है, उनकी चुनी हुई सरकार पंगू है, ये अन्याय हम समाप्त करेंगे। दिल्ली वासियों को उनका हक दिलाएंगे, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। मंजूर है? इस गिरफ्तारी ने मेरे हौसलों को और मजबूत किया है, आपकी दुआएं और आशीर्वाद मुझे लगातार मिल रहे हैं, ऊपर वाला मेरे साथ है। जल्द बाहर आकर आपसे मिलता हूं। आपका अरविंद।